हेलो भाई लोग, लॉकडाउन में घर छोड़ने वाले सोनू सूद का मास्टर प्लान आपको जरूर चौंका देगा। बाउंस चेक के केस में सजा काटने वाले राजपाल यादव मांग रहे हैं मुंह बोला दाम। आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी में मास्टर करने वाली विद्या बालन पार्टी प्रचार के लिए कितने रुपए लेकर राजी हुई, और यही नहीं अपने एक्सपोज होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये कॉमेडियन एक्टर कृष्णा अभिषेक। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। आज फैक्ट भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केटिंग का पर्दाफाश करने जा रहा है। फैक्ट भाई आपको बताएगा कि वो कौन से बॉलीवुड के सितारे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बेवजह चमकते रहते हैं। तो आइए पहनते हैं काला चश्मा और काला कोट, सर पे रखी उल्टी टोपी और अंदाज जैसे शर्लॉक होम्स। नंबर वन सोनू सूद। एक ट्वीट का 5.5 लाख। लॉकडाउन में बहुत से मुन्नी को घर छोड़ने वाले बजरंगी सोनू ने कहा था कि वो भी अपने स्ट्रगलिंग के टाइम घर मिस करते थे। उस वक्त उनकी माँ उन्हें चिट्ठी लिखा करती थी, टेस्ट लिखते थे इंस्पायर करने के लिए जब मैं स्ट्रगल करता था। क्या सोनू सूद की यही वजह थी जो वो सबको घर छोड़ रहे थे, या फिर कोई पॉलिटिकल स्टंट था, ये आप वीडियो देख के डिसाइड करें। तो कंटेंट हम टाइमली आपको कंटेंट देते रहेंगे, आप अपने वर्ड्स में आपने उसको वो कहा कि सोनू सूद ये बात कह रहा। जब उन्हें बताया कि ट्विटर अकाउंट से इन्हें बीजेपी के बारे में साफ सुथरा पोस्ट करना है, तो इन महाशय ने खुद पूरी प्लानिंग पूरे प्रोटोकॉल के साथ समझाई और ऊपर से ये भी कहा कि क्या इनके वो चट्टे बट्टे दोस्त साउथ इंडस्ट्री के थे, क्योंकि स्मार्ट सोनू ने किसी एक्टर या मोहतरमा का नाम नहीं लिया, वो हैं ही इतने दिमाग वाले। स्ट्रगलिंग टाइम के वक्त भी वो एक प्रोडक्शन हाउस में अपनी फोटो छोड़ाए, फिर बाद में एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने वो फोटो देख ली और सोनू के साउथ इंडियन मूवी का सफर शुरू हो गया। क्या ये प्री प्लान था, ये बात फैक्ट भाई दावे के साथ नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता है कि इस पॉलिटिकल डील के वो मांगने वाले थे 2.5 करोड़। अब इतने पैसे आएंगे तो कैमरे के सामने अच्छा दिखना पड़ेगा ही ना। नंबर टू विवेक ओबराय। कोई दिक्कत तो है नहीं, आप फॉर्मेलिटीज कंक्लूड कर लो, उसके बाद जैसे आप बताएंगे वैसे करेंगे। पैसे के इशारे पर नाचने वाले ये एक्टर विवेक ओबराय इस पार्टी सपोर्ट की डील सुनते ही दिल गार्डन गार्डन कर बैठे। ये मौका हाथ से ना जाए इसलिए विवेक ने झट से बोल दिया, मैं बोल रहा था कि फिर आप ये जाने से पहले फिर इनके सब फॉर्मेलिटीज क्लोज कर दो। विवेक को ये प्रपोजल फाइनल करने का इतना लालच था कि वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के पीछे ही पड़ गए। ये डील हाथ से ना जाए इसलिए साहब अपनी मार्केटिंग करने लगे। प्लेटफॉर्म मिला के अपने करीबन 25-30 लाख तो डायरेक्ट फॉलोअर्स। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है इतने सारे फॉलोअर्स के लिए विवेक को कितने पापड़ बेलने पड़े। विवेक ने पहले एक सुनामी पीड़ित गांव को अडॉप्ट किया, उसके बाद वन फाउंडेशन नाम का एनजीओ चलाकर कैंसर पेशेंट्स की मदद की, और इतना ही नहीं टाइम पास के लिए सल्लू भाई से पंगा भी ले लिया। और तो और एक्टर बनने से पहले राइटर रह चुके इन जनाब ने छाती ठोक कर ये भी कह डाला, जो भी देखा तो रियल काम किया वही हम लिखेंगे, बाकी तो हमको लिखेंगे नहीं। इस डील के फाइनल अमाउंट पर इतना नेगोशिएशन हुआ कि बाद में विवेक के मैनेजर ने कहा, एक्चुअली क्या है बता दो, आपके लिए कुछ नहीं विवेक के पिताजी सुरेश ओबराय ने विवेक का नाम विवेकानंद के नाम पे रखा था, और अगर ये सब वो देख लेंगे तो पिताजी टेंशन में। नंबर थ्री राजपाल यादव, सॉरी डॉक्टर राजपाल यादव। जी हाँ, इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने राजपाल यादव को डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया है, और इन्हें ये देना ही चाहिए, क्योंकि जब ये पॉलिटिकल प्रपोजल उनके पास आया तो इन्होंने बताया एक प्लान जिसमें वो कहते हैं कि आप मेरे दोस्त को ये एजेंडा पेपर पर लिख कर दे दें, फिर वो दोस्त मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं वो पढ़कर डिलीट कर दूंगा और फिर मैं अपना वर्जन बना दूंगा। भाई हमारे तक गए, हमने इसको याद कर लिया, हमने ये भाई ने हमसे हमें ना हमने वहीं के व्हाट्सएप की लाइन पढ़ी डिलीट कर दी, अब हमने अपने विचार ट्विटर के रूप में खुद डाल दिया। छोटा डॉन का मास्टर प्लान सुनकर आपको भी यही लगेगा, कोई सेंस है इस बात की? ऐसे प्लानिंग करोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 5 करोड़ का लोन ना भरने के कारण राजपाल ऑलरेडी 3 महीने सलाखों के पीछे थे, शायद उसके कर्जदार आज भी घर के बाहर खड़े हैं, इसीलिए तो 2 लाख पर पोस्ट की ऑफर सुनते ही वो कह पड़े, राजपाल यादव 1,500,000 करोड़ नाम है, 2 लाख मत खरीदो बे। और जब मुंह बोला दाम नहीं मिला तो उन्हें लास्ट ऑफर मिली 70 लाख की। 70 लाख? ये डील फाइनली 75 लाख पर होने जा रही थी, तब सामने वाले ने रखी एक शर्त, और वो शर्त थी कि उन्हें इस सपोर्ट के साथ पार्टी को डिफेंड भी करना होगा। डन हो गया 75 पर, लेकिन इसमें एक चीज है कि आपको यू हैव टू डिफेंड।
लेकिन छोटे जनाब इस बात से जरा से भी नहीं कतराए। अब ये सब धंधे एक्सपोज हो जाएंगे तो इन्हें डेफिनेटली कहना पड़ेगा, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। नंबर 4, कृष्णा अभिषेक। ये मजे हुए खिलाड़ी पॉलिटिकल कैंपेन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आइडिया ही देने लगे। हाँ, लेकिन जब हमें लाइव शो पे हूँ जहाँ पर 10,000 जनता मेरे साथ, वहाँ पर किस तरीके से उसको करना है और उसको शूट करके फिर ट्वीट करना। 1996 के फेमस सीरियल जस्ट मोहब्बत में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम करने वाले कृष्णा अभिषेक शायद आज भी ऑडियंस को बच्चे की नजर से देखते हैं। पर फैक्ट भाई उनका ये राज खोलते हुए आपको ये बताना जरूरी समझेगा कि कैसे ये लोग अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ये रहेगा आप किसी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं। और जब ये सब करके एक्सपोज होते हैं तो इनका रिएक्शन ऐसा होता है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ये भाई साहब हिंदी, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़ा, तमिल, इंग्लिश ये सब भाषा बोल पाते हैं और शायद इसीलिए खुद को इतना टैलेंटेड समझने वाले कृष्णा ने ये इंटरेस्टिंग बातें ऐड करी। भाई साहब मेरे साथ जैकलीन है सर, तो मैंने ऐसी कुछ बात कर दी अपने ही चीज को लेकर, उसको मैंने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया लेकिन उसके साथ में कर दिया। ये खुद अच्छे खासे राइटर हैं इसलिए अपनी प्लस पॉइंट को सामने रखते हुए जनाब बिना सोचे बोल पड़े। उनको नहीं बोलेंगे हम, बेस्ट हम अपने हिसाब से राइटर के साथ तो मैं ही बैठता हूँ, बोलता तो मैं ही हूँ। और जब बात पैसे की आई तो कृष्णा ने अपने मैनेजर को आगे कर दिया, और इसमें जो पैसा है 10% आपको व्हाइट में आएगा, बाकी 90% सब कैश हो जाएगा। और जब इंटरव्यू में उनसे ये बात पूछी तो कॉमेडियन भाई करने लगे सीरियस एक्टिंग, पर सच क्या था पता है? अरे सच तो ये है मेरे दोस्त कि मेरी फट रही है। नंबर 5, महिमा चौधरी। इसे कहते हैं जंगली शेरनी। इन्होंने बिना कुछ जाने सीधा अपना मुंह बड़ा कर लिया, और क्यों ना करें, पति से लगातार झगड़ा, 2 मिसकैरेज, बेटी की कस्टडी को लेकर लड़ाई और आखिर में डिवोर्स। ये सब होने के बाद जिंदगी में एक चीज मायने रखती है और वो है पॉलिटिकल डील। सुनकर इनकी दिमाग में इतना बड़ा लड्डू फूटा कि मैडम ने सीधा कहा और यही नहीं, ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि इस निडर महिला के शब्द थे, अगर आपने ढंग के पैसे नहीं दिए तो शायद महिमा को इन सब की आदत है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से इन्हें कुछ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट किया था। उस वक्त भी मैडम ने कहा था कि उनका विग लगा के सेट पर आना कुछ डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आता। अब ये कितना सच था ये फैक्ट भाई कह नहीं सकता, लेकिन इन्हें ये जरूर लगता है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है। जब बात डील फाइनल होने की आई तो दीदी ने कहा, इस मामले में दीदी खिलाड़ी निकली। नंबर 6, अभिजीत भट्टाचार्य। मुझे माफ करना। इतने मशहूर सिंगर की माफी मांगने की वजह ट्विटर से धक्के मारकर निकाल देना। अपने जीवन में बहुत से कांड करने वाले अभिजीत का नाम इस पॉलिटिकल स्टंट की लिस्ट में आना स्वाभाविक था। पता नहीं इनको कैमरा देखते ही क्या हो जाता है, क्योंकि जब उनसे पूछा गया Like Salman recently sang a song for hero. तो भाई साहब ने कहा आप भी गा सकते हो, बिल्ली, घोड़ा, गधा कोई भी गा सकता है। ऐसे खुल के बोलने वाले महाशय को बोला गया कि आपको हमारी योजना को प्रमोट करना है, पर जनाब ने बताया जो मुद्दा चलेगा ना उस मुद्दे को हम लोग पकड़ेंगे। और ये सब रियल लगे इसलिए अभिजीत ने अच्छे सुझाव भी दिए। ये डीड महाशय इन सब काम में जरा सा भी नहीं कतराते और सरेआम किसी को भी टारगेट करते हैं। पाकिस्तानी जो भी आता है चाहे वो राइटर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, इनको मार के भगा देने थे बिकॉज दे आर बेगर्स। ये सब करके इस हिम्मत वाले का पेट भर गया, इसीलिए अब ये नई टेक्निक्स की खोज में है। और यही नहीं, इस काम के उनके मैनेजर ने 60 लाख भी मांगे। बट मिनिमम 60 का वो होना चाहिए, मतलब 60 लाख पर मंथ। अगर इतने पैसे मिलेंगे तो साहब कुछ भी करेंगे ना। नंबर 7, विद्या बालन। हाय संदीप, दिस इज अदिति, विद्या बालन्स मैनेजर। ओह हाय, यू हैव टेक्स्टेड हर विद रिगार्ड्स टू अ पॉलिटिकल पीआर, राइट? यकीन नहीं होता ना, सोशियोलॉजी डिग्री हासिल करने वाली उलाला गर्ल ने क्या सच में इस डील को अपनाया? फैक्ट भाई को लगता है कि ये सुनकर बहुत से लोग विद्या के फैन हो जाएंगे। तो
apologize, but the only thing is that Vidya is not interested in doing any kind of a political want to associate. बार बार फोर्स करने पर भी विद्या की मैनेजर ने ये कहा. So I'm being very honest with you. I'm so sorry for being blunt, but Vidya doesn't get involved in any kind of a thing like this. इस वजह से एक इंटरव्यू में विद्या की इस टॉपिक को लेकर बहुत तारीफ भी हुई. तब उन्होंने कहा, मैं नहीं कर सकती, मैंने नहीं किया, that's it. विद्या को कई साल से OCD है. उन्हें अपने आसपास की चीजें साफ रखना पसंद है. इसलिए ये बात आपको हिला देगी कि विद्या ने खुद रानी मुखर्जी के साथ एक स्टिंग ऑपरेशन किया था. आरती अभी भी ऊपर गई है टू मीट मिस्टर हीरा. We are constantly watching her. इंडस्ट्री में छुपे एक दरिंदे ने एक लड़की का गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी. तुम्हारी बच्ची है यार. मेरे बापमान, मेरे करते हो तेरी. Disgusting यार, disgusting. मेरे डैडी के उम्र के हो आप. पर विद्या और रानी ने ये ऑपरेशन बखूबी निभाकर एक मासूम लड़की की जान बचाई. फैक्ट भाई ये जरूर कहना चाहेगा कि ऐसी विद्या हर घर में हो, क्योंकि ऐसी घटना इंडस्ट्री के बहुत से एक्टर्स जैसे आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह के साथ भी हो चुकी हैं. And yeah, he went on and propositioned me very blatantly, very explicitly. इसलिए फैक्ट भाई आपको बस इतना कहना चाहेगा, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे. नंबर 8, दीपिका पादुकोण. ये कौन से इश्क वालों की बात कर रही हैं? आइए देखते हैं. विद्या की तरह दीपिका भी ऐसे ही एक स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बन चुकी हैं. और ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था छपाक फिल्म के बाद. जूनियर आर्टिस्ट ने अलग अलग किरदार निभाए, एज अ स्टूडेंट, वाइफ, बिजनेसमैन, प्लम्बर एक्सेट्रा. और एक ही दुकान से दिन में एसिड की 24 बॉटल्स खरीद ली. दुकानदार ने किसी भी व्यक्ति से अपना आईडी और एसिड खरीदने की वजह नहीं जानी. दीपिका इस ऑपरेशन को कार में बैठ के ऑपरेट कर रही थी. उसका कहना था कि अगर एसिड इतना इजीली अवेलेबल हो तो उससे किसी के चेहरे पर फेंकने के लिए देर नहीं लगेगी. इसीलिए इस ऑपरेशन के बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने एसिड खरीदी पर स्ट्रिक्ट नियम लागू किए. नंबर 9, सनी लियोनी. और आखिर में आती हैं ये बेबी डॉल. इन्होंने तो सीधा कह दिया, मोदी सर ने डैनियल को ओवरसीज सिटीजन बनाया. इन्हें कहा गया कि आपको फीमेल ओरिएंटेड योजना को प्रमोट करना है, जैसे रेप से रिलेटेड हो गया या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये सुनते ही वो सर हिलाकर बोली, इस डील के लिए इनके पति ने एक पोस्ट के मांगे 15 लाख. और भाई क्यों नहीं मांगेंगे. सनी 2017 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली महिला जो ठहरी थी. और यही नहीं, ये सुनकर तो आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि इस डील में 70% कैश में और बाकी का अमाउंट लीगल में करने की कोशिश हो रही थी. एक तरफ बच्चों को अडॉप्ट करके अच्छे काम करो, दूसरी तरफ ऐसे घटिया कामों को अंजाम दो और आखिर में कहो, Because I'm sitting on my couch with my oh so sexy husband and 3 beautiful children, a glass of wine, 0 regrets, and that, my friends, is my happy ending. देखा, इसी तरह कई लोग सरेआम अपने काले धंधे चला रहे हैं. इसीलिए ये स्टिंग ऑपरेशन करना जरूरी था. इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कराओके के नाम से जानते हैं. ये पूरा ऑपरेशन करने वाली एजेंसी थी कोबरा पोस्ट. फैक्ट भाई ऐसे नौजवानों को सलाम करता है. तो ये थे आज के नमूने. बाहर से जगमगाती बॉलीवुड इंडस्ट्री की चमक कितनी फीकी है ये सबने देख लिया. उम्मीद करते हैं ये काला सच देखकर आपकी आंखें जरूर बड़ी हो गई होंगी. तो उन्हीं बड़ी आंखों से हमारा सब्सक्राइब बटन को देखकर सब्सक्राइब करें. और बॉलीवुड स्टार्स की ऐसी ही कई कहानियां हैं जिनसे हम अनजान हैं. जैसे क्या आपको पता है, SR के इकलौते ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका घर इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेस की लिस्ट में शुमार होता है. पर उनका ये बंगला कितने करोड़ का है, उसकी कहानी क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें. चलो बाय लोग, शर्लॉक होम्स अपने होम में वापस जा रहा है. दुआ में याद रखना. जय हिंद.